मामला बताएं। ये बड़ा एक सीरियस सा मामला है जो आउट दिल्ली की पुलिस सोल्व करने में कामयाब रही है। इसमें एक्चुअली एक आदमी है, मेनली पंकज नाम का अभियुक्त है। वो उसका कहना है, पूछताछ से पता चला, उसका कहना है कि ही इज अ जिम ओनर, जिम चलाता है, हरियाणा का है, कलानूर का। और क्योंकि कोविड के लॉकडाउन के दौरान उस पर काफ़ी कर्जा हो गया, उसका धंधा सही नहीं चला, तो इस वजह से वो एक दोस्त के साथ एक कंस्पिरेसी सी हैच करता है। दोस्त का नाम है शशि। उसके साथ ये कंस्पिरेसी हैच करता है कि किसी को एक्सट्रोशन कॉल किया जाए, और फिर वो देखता है कि उन्हीं का कोई एक रिलेटिव है दूर का, जिन्होंने एक्चुअली शिकायत दी पश्चिम विहार ईस्ट थाने में 24 अगस्त को कि ही इज़ गेटिंग कॉल्स, कंटिन्यूस कॉल्स फॉर 1 करोड़ रुपीज़ रैनसम। वो एक्सटोर्शन कॉल है, रैनसम नहीं है, एक्सटोर्शन कॉल है कि आप 1 करोड़ रुपया दो वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। तो इमीडिएटली पश्चिम विहार ईस्ट थाने ने कंप्लेंट लेते हुए 387 में 120B में जो कि एक्सटोर्शन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी की रिगार्डिंग धाराएं हैं, और इमीडिएटली कार्रवाई शुरू करती है। और इसी के साथ साथ हम पुलिस की जो पश्चिम विहार ईस्ट की टीम के साथ साथ हम एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड हमने बनाया हुआ है, उसको भी इस ऑपरेशन में हम डाल देते हैं। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो थोड़ा यूनिक था, इन्होंने पहले अपने आईफोन पे, पंकज ने अपने आईफोन पे एक स्पेशल ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम था ग्लोबल वॉइस कॉल, लेकिन वो उसी पर्पज़ से कि इंटरनेशनल नंबर दिखाते हुए मैं कॉल करूँगा तो मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो पाएगी। मेरे पास 2 4-व्हीलर्स थे, एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक नेक्सोन कार। इन्होंने रोहतक में, हरियाणा में, 2 फोन स्नैच किए, एक स्विफ्ट डिजायर की सहायता से और एक नेक्सोन कार की सहायता से, और दोनों का यूज करते हुए कॉल किए, और VOIP कॉल, इंटरनेशनल कॉल्स, ये सब करते हुए इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की। और इनकी मोडस ऑपरेंडी इस तरीके की थी कि लोकेट करना या आइडेंटिटी फाइंड आउट करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए। हमारी साइबर टीम का भी हमने यूज़ किया इसमें, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और धीरे धीरे कुछ इनपुट्स मिले, कुछ हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ये हरियाणा में हैं, और बाद में इनको कलानूर जगह है, हरियाणा में कलानूर रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से इनको पकड़ा गया। इनका तीसरा साथी जो है संजू है, वो भी गायब चल रहा है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं। तो 2 लोग बाग जो मेन अभियुक्त थे सचिन नागवान केस में, वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और एक आउटर दिल्ली जिला पुलिस का एक सराहनीय काम रहा। सर, ये जिसको कॉल की थी जो विक्टिम है, उसके बारे में इन्हें कैसे इनपुट मिला, कहाँ से नंबर मिला, उसको क्या पहले से जानते थे वो? ये इनका दूर का रिलेटिव है, सचिन नागपाल जो है पंकज का दूर का रिलेटिव है। और जैसा कि इसने बताया कि ये कर्जे से तंग था, इसका कहना है कि 90 लाख के अराउंड इसका कर्जा हो गया था, जिम चलाता था, कोविड के दौरान वो फेल हो गया, तो उसी टेंशन में, उसी प्रेशर में ये कंस्पिरेसी हैच हुई, बनाई इन्होंने। और इनके खुद के ही पुराने रिलेटिव हैं, दूर के रिलेटिव हैं, तो इसको पता था कि ही इज़ अ वेल ऑफ पर्सन, ही कैन पे दिस मच मनी। सर, कितने टोटल इसमें अक्यूज हैं और क्या इनका प्रोफाइल और बैकग्राउंड? इसमें 3 अक्यूज हैं, पंकज है, उसका दोस्त शशि है, और तीसरा संजू है। और इन्होंने पहले कभी ये काम नहीं किया, क्योंकि हमने इनका प्रीवियस इनरोलमेंट देखा है, ये पहली बार ही इन्होंने किया है। किस गैंग का नाम लिया था सर इन्होंने थ्रेट के लिए? हाँ, इसमें एक मेजर ये भी रहा कि जो डर का माहौल बना था इस कॉल के बाद, वो था कि इन्होंने नीरज बवानिया गैंग के नाम से कॉल किया था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डर सा फैल गया था। जो विक्टिम है इस केस में, वो काफ़ी भयभीत हो गए थे, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि ये थोड़ा सा डेंजर वाला है इशू। आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि वो गैंग भी रिलेटेड इश्यूज में काम करता है, उसका मोडस ऑपरेंडी भी इसी टाइप का है, वो उनका जो काम करने का है वो यही एरिया है, तो इन्होंने उस चीज़ को भुनाने की कोशिश की। हालांकि इनका उनसे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक हमने सारा देखा हुआ है,
इनका उनसे कोई संबंध नहीं है। इन्होंने कोशिश की कि उनका नाम अगर डाला जाएगा तो एक ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद अपना जो है जो भी इन्होंने सोच रखा था, जो भी षड्यंत्र इन्होंने बनाया वो सफल रहेगा। तो इनसे जो दो फ़ोन इन्होंने मैंने बताया कि धारवाड़ा है, धारवाड़ा से इन्होंने दो फ़ोन स्नैच किए थे, एक स्विफ्ट डिजायर कार की सहायता से और एक नेक्सॉन जो इनकी खुद की गाड़ी है उनकी सहायता से इन्होंने दो फ़ोन स्नैच किए थे। वो दोनों फ़ोन रिकवर हो गए हैं। नेक्सॉन इनकी खुद की गाड़ी है, वो भी हमने सीज कर ली है। सर इसका पता पुलिस को कब और कैसे चला? मैडम हमारे पास इस 12 तारीख से पहले कुछ 8 तारीख को टेक्निकली जो टीम थी 8 तारीख को इस 8 सितंबर को टेक्निकल टीम को कुछ इनपुट्स मिलते हैं उसके वेयर अबाउट्स के बारे में, और फिर इस 12 तारीख को हम रेड करते हैं और वहाँ पे ये लोकेशन वाइज पकड़े जाते हैं।